नमस्ते, मैं हूं मोमिता। आप सबको चैनल फ्लाबिया में स्वागत करती हूं। तो हम लोग बहुत ही स्किन प्रॉब्लम को लेके भुगतते हैं, और स्किन हमारे ग्लोइंग रहे, फेस का कोई प्रॉब्लम ना हो, ये हम सब लोग चाहते हैं। लेकिन ये फेस का जो प्रॉब्लम है, ये ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग पार्लर में जाते हैं, फेशियल कराते हैं, ब्लीचिंग कराते हैं, और ना जाने क्या क्या हार्मफुल केमिकल वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी फेस का जो ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग बेसिक चीज जो है उस चीज को छोड़ देते हैं। तो आइए जानते हैं ये बेसिक चीज क्या है। तो बेसिक चीज जो है वो है CTM प्रोसेस, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग प्रोसेस। क्लींजिंग मतलब है फेस वॉश, टोनिंग मतलब है टोनर, एंड मॉइस्चराइजिंग मतलब है कोई क्रीम या लोशन। तो फ्लाबिया फ्रेश के साथ हम लोग ये क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग प्रोसेस को करेंगे, क्योंकि फ्लाबिया में एकदम हर्बल प्रोडक्ट आपको दिया जाता है, और साथ ही साथ इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं किया होता है। तो आपका फेस का जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को लेके आप लोग भुगत रहे हैं, और बाहर ना जाने क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करके और भी खराब कर रहे हैं चेहरे को, वो सब फ्लाबिया फेस के साथ एकदम ठीक होने वाले है। तो पिछले दो वीडियो में मैंने सी के बारे में और टी के बारे में फुल डिस्कशन किया है। फ्लाबिया फेस के साथ हम लोग कैसे CTM करेंगे, उसके बारे में ये वीडियो है, और आज ये पार्ट का आखिरी वीडियो है, जिसका नाम है मॉइस्चराइजिंग पार्ट। तो आइए जानते हैं फ्लाबिया फेस हर्बल हमको कैसे मॉइस्चराइज करते हैं। तो फ्लाबिया फेस का जो हर्बल प्रोडक्ट है, उसका नाम है एरोमाक्विन फेस एंड बॉडी लोशन। मतलब फेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं और बॉडी में भी कर सकते हैं यूज। तो फेस एंड बॉडी लोशन एक्चुअली मॉइस्चराइजर है। तो आखिर ये मॉइस्चराइजर है क्या? मॉइस्चराइजर मतलब जो हमारे फेस को ऊपरी बाहरी चीज से कोटेड करते हैं, और अंदर में एक हाइड्रेटिंग रखते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे फेस को लुब्रिकेटिंग करते हैं, यही है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर का आखिर फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि हमारे स्किन को ड्राइनेस से बचाता है, और स्किन के अंदर में जो भी वाटर है वो स्किन के आउटर लेयर में कोटेड करके रखने के लिए हेल्प करते हैं। तो फ्लाबिया फेस का ये मॉइस्चराइजर कैसा है और क्या क्या चीज से बना है, क्यों हम लोग फ्लाबिया का ही मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करेंगे, ये ही जानेंगे अभी। तो फ्लाबिया एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर लाया है, जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कोई भी एज का हो सकता है, उसका कोई भी स्किन टाइप हो सकता है, और हर एक लोग फुल बॉडी में एंड फुल फेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है एरोमाक्विन। तो मतलब इसमें बहुत ही अच्छा खुशबूदार ये एक फ्रेग्रेंस भी है, जो जिसके साथ साथ हम लोगों का मूड भी बहुत ही अच्छा एनहांस होने वाले है। तो फ्लाबिया फेस का ये जो मॉइस्चराइजर बना है, ये कुछ कुछ चीज से बना है जो कि बिल्कुल हर्बल चीज है। तो सबसे पहले इसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें है दुर्वा। हम सब लोग दुर्वा को पहचानते हैं, घर के बाहर ही उगते है ये चीज, और ये एक पौधा है। बहुत दिनों से ये पौधा को हम लोग देखते आ रहे हैं और जन्म से देखते हैं। तो ये दुर्वा में आखिर ऐसा क्या है कि ये फेस में इतना अच्छा काम करते हैं? तो दुर्वा है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक पौधा। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए है और विटामिन सी है। तो ये हमारे फेस का जो स्कार से मतलब दाग है, उसके साथ साथ जो रैशेस आ जाते हैं, कुछ कुछ लगाते हैं और लगाते हुए आते हैं, या फिर हम लोग जैसे कुछ मार्केट में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो धूप से भी रैशेस आने लगते हैं। तो इस चीज को भी दुर्वा हटाने के लिए बहुत ही माहिर है। और साथ ही साथ जो पोर्सेस, फेस का जो पोर्सेस ब्लॉक हो जाते हैं, वो पोर्स को एकदम क्लियर करके हमारे जो स्किन है बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग बनाते हैं। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट्स इसमें है, इसका नाम है हरिद्रा। तो हरिद्रा है हल्दी। हम लोग जानते हैं कि हल्दी क्या है। हल्दी एक बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट चीज है, जो कि हम लोग खाना पकाने के लिए भी देते हैं, और कभी कभार देखते हैं कि बहुत ही लोग, जो लोग थोड़ा सा स्किन को अच्छा करने के लिए और स्किन का जो कम्प्लेक्शन है उसको अच्छा बनाने के लिए हल्दी को पीस के भी चेहरे पे लगाते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, डायरेक्ट हल्दी चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है,
तो इसमें कुछ कुछ एसिडिक पोर्शन होता है जो कि फ्लैबिया फिश का ये प्रोडक्ट, वो एसिडिक पोर्शन को निकल के इसमें डाले हैं ताकि आपका फेस का और बॉडी का जो भी दाग धब्बा हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हल्दी है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, एंटी सेप्टिक एजेंट से हल्दी में। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे फेस से ब्लैक हेड्स को, एक्ने को, एक्जिमा जो होता है स्किन में उसको, रिंकल्स को, डार्क सर्कल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हटाते हैं। साथ ही साथ ये फ्रेकल्स का जो दाग होता है, मतलब स्किन में देखेंगे कभी कभार काला काला दाग हो जाता है, तो वो फ्रेकल्स का दाग को हटाने के लिए बहुत ही माहिर है और ये एजिंग स्पॉट को अच्छे से दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये जो हल्दी है इसके साथ साथ, इतना काम करने के साथ साथ हल्दी हमारे स्किन टोन को बूस्ट करते हैं और स्किन कम्प्लेक्शन को एनहांस करने में बहुत ही मदद करते हैं। तो फ्लैबिया का ये वाला मॉइस्चराइजर में हम लोगों को हल्दी भी मिल रहा है, इसके साथ साथ हम लोगों को मिल रहा है नीम लीफ। तो नीम लीफ क्या है, नीम पत्ता हम लोग जानते हैं ये एंटी बैक्टेरियल है, एंटी फंगल है और एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है नीम में। तो ये नीम जो है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के नाते नीम हमारे स्किन का मेलानिन प्रोडक्शन को कम करते हैं ताकि हमारे जो स्किन टोन है जो कि एक जगह काला एक जगह सफेद हो जाता है वो इवन हो जाता है। और साथ ही साथ ये नीम हमारे फेस से जो पिंपल से, ब्लेमिशेस से, जो ब्रेकआउट हो जाता है फेस में, फ्रेकल से, एक्ने है, ये सारा चीज को दूर करने के साथ साथ एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। तो फ्लैबिया फेस के पास ये जो मॉइस्चराइजर है इसमें नीम भी है, इसके साथ साथ इसमें तुलसी है, तुलसी लीफ। तुलसी हम लोग जानते हैं बहुत ही पुराना, हम लोग घर में उसको पूजते भी है और इसके साथ साथ तुलसी बहुत ही पुराना एक हर्ब है जो कि आयुर्वेदिक हर्ब माना जाता है। तो ये बहुत काम करते हैं अंदर में, बॉडी के अंदर में काम करते हैं, साथ ही साथ स्किन में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो स्किन में क्या काम है तुलसी का, तुलसी है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है और इसके साथ साथ एक्ने, ब्लेमिशेस, पिंपल को दूर करने के लिए अच्छा है और जो दाग धब्बा होता है इसको भी दूर करते हैं। स्किन का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करने के लिए तुलसी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके साथ साथ है कैम्फर ऑयल, कैम्फर ऑयल है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। तो कैम्फर ऑयल क्या करते हैं, स्किन का जो कोलाजन है उसको बूस्ट करके स्किन को बहुत दिनों तक इलास्टिसिटी पावर स्किन का बहुत ही अच्छा रखते हैं और ये स्किन का इन्फेक्शन को, जो इचिनेस होता है, इरिटेशन होता है, ये सब कुछ को दूर करके जो इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में वो बिल्कुल ठीक कर देते हैं। फ्लैबिया फ्रेश में बहुत ही अच्छा अच्छा एरोमा थेरापी प्रोडक्ट जो कि हमारे मूड को एनहांस करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एरोमा थेरापी प्रोडक्ट में मूड भी एनहांस होता है, स्किन में एक स्मूथनिंग आते हैं और साथ ही साथ इसमें क्या है, स्किन को एक अच्छा सा ग्लो देने के लिए भी काम करते हैं। तो ऐसा कुछ कुछ ऑयल्स है एरोमा थेरापी प्रोडक्ट में जो कि हमारे फ्लैबिया फ्रेश का फेस एंड बॉडी लोशन में है। तो बेसिल ऑयल है, बार्गामोट ऑयल है, क्लैरिसेंस ऑयल है एंड टी ट्री ऑयल है। तो ये सारा चीज, ये जो एरोमा है ये बहुत ही अच्छे खुशबू है, ये खुशबू को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा है और मूड को एनहांस करने के लिए बहुत ही खास एक रोल निभाते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि ये जो इतने देर से फ्लैबिया फ्रेश का जो फेस एंड बॉडी लोशन के बारे में मैं बात कर रही थी, तो इसका आखिर में बेनिफिट्स क्या है, स्किन के ऊपर और फुल बॉडी के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा अच्छा बेनिफिट्स है, तो उसी के बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, ये स्किन को नरिश करने के लिए और मॉइस्चराइजर करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सेकेंड है, ये स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा करते हैं, क्योंकि हम जब इसको लगाते हैं फेस पे तो स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है ताकि हमारे स्किन का ग्लो बहुत अच्छा आए। थर्ड है, ये स्किन को ब्राइट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए और ग्लोइंग करने के लिए अच्छा है। तो हम जब लगाएंगे इसको फेस में, धीरे धीरे करके देखेंगे आपका फेस ब्राइट होने लगेगा, बहुत ही स्किन का टेक्सचर जो है वो स्मूथ होने लगेगा और साथ ही साथ ये स्किन में एक अच्छा सा ग्लो छोड़ेगा। इसके बाद है, ये स्किन में हाइड्रेटिंग पावर को अच्छा करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम फेस वॉश करते हैं और जब टोनर लगाते हैं उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है, तो मॉइस्चराइजर क्या करते हैं, जब हम बाहर धूप में निकलते हैं उसके पहले मॉइस्चराइजर और सन प्रोटेक्शन लगाकर हम लोग जाते हैं, तो मॉइस्चराइजर से क्या होता है, धूप में जाने से स्वेटिंग बहुत जो होता है उससे फेस में जो हाइड्रेशन है वो निकल के नहीं जाता है ताकि फेस एकदम अच्छा रहे और हाइड्रेट रहे। इसके बाद है, ये स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है उसको बूस्ट करते हैं।
तो हम लोग जानते हैं कि इसमें इतना सारा प्रोडक्ट होने के नाते तो स्किन कॉम्प्लेक्शन तो बूस्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये रिंकल्स को, ड्राइनेस को और एक्ने को भी फाइट करते हैं। तो रिंकल्स अगर है फेस में तो जरूर फ्लेवर फ्रेश का एरोमा क्वीन ये वाला बॉडी लोशन लगाइए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसके साथ साथ जो एक्ने हुआ है उसको भी काम करेगा और आपके फेस में जो ड्राइनेस आ गया है उसमें भी ये काम करेगा और स्किन में एक सूतनी इफेक्ट देगा, जिसका सेंसिटिव फेस है बहुत ही इंचीनेस होता है, रेड हो जाता है, वो सेंसिटिव फेस में एक स्मूथनिंग देगा, बहुत ही सूत एक इफेक्ट देगा और एजिंग प्रोसेस को ये स्लो डाउन करने के लिए हेल्प करता है। मतलब अगर आपके फेस को देख के लगता है कि आपका एज बहुत ज्यादा हो गया हो लेकिन वाकई में आपका एज उतना ज्यादा नहीं है, तो फेस का एजिंग जल्दी स्टार्ट हो गया है, तो फेस एजिंग को कम करने के लिए फ्लेवर फ्रेश का ये वाला एरोमा क्वीन फेस एंड बॉडी लोशन बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके बाद ये आपके जो एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के साथ साथ आपके जो ब्लेमिशेस है, फ्रेकल्स है, उसको भी दूर करने के लिए हेल्प करते हैं। स्किन में जो हाइड्रेशन है उसको बजाय रखने के साथ साथ जो फ्लेकिंग हो जाता है, मतलब स्किन के ऊपरी हिस्सों से जो एक देखेंगे स्किन उठ के आ रहा है, तो फ्लेकिंग हो रहा है स्किन में और डालनेस आ रहा है, उसको भी निकालने के लिए हेल्प करते हैं। और स्किन के जो आउटर लेयर है उसमें बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइजर ऑल डे एक प्रोटेक्शन देते हैं। अभी हम जानेंगे कि ये वाला बॉडी लोशन हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो फ्लेवर फ्रेश का बॉडी लोशन और फेस आर्ट बॉडी लोशन है ये, तो फेस में भी यूज कर सकते हैं, फुल बॉडी में यूज कर सकते हैं। फेस में यूज करने के लिए जरूर फ्लेवर फ्रेश का नीम और एलोवेरा फेस वॉश आपके स्किन टाइप के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद जरूर फ्लेवर फ्रेश का 3 टोनर, रोज वाटर, नीम सोल्यूशन एंड ऑरेंज सोल्यूशन आपके स्किन टोन के हिसाब से और स्किन टाइप के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। और लास्ट में जरूर ये मॉइस्चराइजर लगाइए फ्रेश में, मतलब पहले हम लोग फेस वॉश करेंगे, फिर फ्लेवर फ्रेश का टोनर से टोनिंग करेंगे, फिर ये फ्लेवर फ्रेश का फेस एंड बॉडी लोशन फेस में अप्लाई करेंगे। इसके बाद में आप कंक्लूशन या कुछ लगा सकते हैं या फिर मेकअप कर सकते हैं, लेकिन पहले ये 3 स्टेप बहुत जरूरी है। उसके बाद फुल बॉडी में जैसे ही हम लोग नहाएंगे या बात लेंगे उसके बाद तुरंत बाद ये वाला मॉइस्चराइजर फुल बॉडी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब जैसे हम लोग रात को सोने जाएंगे तभी हम लोग और एक बार ये वाला बॉडी लोशन फुल फेस और फुल हाथ पैर में फुल बॉडी में लगाकर सो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा एरोमेटिक सेंस है, तो आपके रात वाला नींद बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ आपके स्किन एंड जो पूरा बॉडी है उसमें बहुत अच्छे ग्लो छोड़ेगा, तो सुबह उठ के आप एकदम नया फील करेंगे। अभी ये जो बॉडी लोशन है ये बहुत खास है और सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जरूर आपके अगर फेस में प्रॉब्लम हो, पिंपल्स हो, ब्लैक हेड्स और कुछ भी हो, आप जरूर फ्लेवर फ्रेश का फेस एंड बॉडी लोशन इस्तेमाल कीजिए। सीटीएम जो प्रोसेस है वो जरूर अप्लाई कीजिए। फ्लेवर फ्रेश का फेस वॉश से फेस वॉश कीजिए, फ्लेवर फ्रेश का टोनर सोल्यूशन यूज कीजिए और लास्ट में फ्लेवर फ्रेश का फेस एंड बॉडी लोशन इस्तेमाल कीजिए। और ये वाला इस्तेमाल करने के साथ साथ आप देखेंगे बहुत अच्छा आपको फेस एंड बॉडी में एक अच्छा इफेक्ट मिलेगा और एजिंग प्रोसेस आपका एकदम कम हो जाएगा। तो फिर हम मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए ग्लो विथ फ्लेविया, फ्रेश विथ फ्लेविया, बी हेल्दी एंड बी ग्रोइंग विथ फ्लेविया। नमस्ते।